हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी आधे घंटे पहले मैंने सपना का वीडियो देखा था। देखिए क्या होता है ना कि आप में से कुछ यूट्यूबर्स मेरा टैग यूज करते हैं, निधि की दुनिया हैशटैग। तो वो वीडियो आप जो मुझे एट द रेट करके डालते हो, वो वीडियो मेरी रिकमेंडेशन में जरूर आती है और मैं जरूर, मेरे पास यूट्यूब भेज देता है। तो ये वीडियो मैं चाहती थी, मैंने इसीलिए बना रही हूँ ताकि ये वीडियो सपना के पास जाए, मैं उनको टैग करूँ, क्योंकि मुझे उनको कुछ बातें बोलनी थी। जब मैंने आज उनको वीडियो देखा उनका रोते हुए, क्योंकि देखो आज से आपको भी पता है करीबन इस साल मेरे पति को गुजरे पूरे 3 साल हो जाएंगे, और जब वो वीडियो में ना विधवा 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 खुद को बोल रहे थे ना, तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है ये शब्द खुद के लिए बार बार बोलना। आपको पता है मैं जब ना विधवा पेंशन बनवाने का मतलब कुछ चल रहा था, उस टाइम मेरे पति को गुजरे 3-4 महीने हुए थे, और उस टाइम किसी ने मुझे कह दिया था कि निधि तो विधवा है, तो ये जो शब्द था ना विधवा, ये मुझे ना खा रहा था, मुझे सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि एक तरफ एक एक पॉइंट पे आपकी जिंदगी ऐसी हो कि आप मंगलसूत्र पहनते हो, सिंदूर पहनते हो, अच्छी चल रही हो, क्योंकि लाइफ में किसी को कुछ नहीं पता होता कल क्या हो, एकदम से आपकी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाए, कुछ भी ना बचे। तो मैं एक बताया क्या होता है, देखिए जिसके ऊपर बीती है, जिसने वो चीजें झेली हैं, वो समझ सकता है। और मैंने ये बात मैंने बोला भी था सपना को पहले भी, आज से 1.5-2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले वीडियो आया था मेरा जिसमें मैंने ये बात बोली थी कि देखो जो लोग इनको आज सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं, वो कल को उनको गाली भी देंगे। क्यों? क्योंकि उनका चैनल, सबका नहीं कह रही हूँ, कुछ का उनके बेस्ड हो चुका है। मेरे साथ ये चीज बनी थी जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे सपोर्ट में वीडियोस निकाल ली उस टाइम, ठीक है, ये कह के कि हम निधि को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके सिर्फ 4 या 5 दिन बाद वो लोग मेरे को गालियों वाली वीडियो बनाने लग गए। और इस टाइम आपका मेंटल लेवल इतना नहीं होता है, आपको सपोर्ट की, प्यार की जरूरत होती है, वो बहुत मुश्किल होता है। देखिए जब आपके हस्बैंड भी गुजर जाए और आपके सहारा, आप समझते हो ना कि आपको अर्न भी करना है, आपको काम भी करना है, हर तरीके से इंसान फंस जाता है। तो यहाँ पे मैंने उनकी जो वीडियो देखी, उसमें वो एक औरत को, एक या दो औरत, कुछ कुछ लेडीज को सुना रहे थे जो उनको बार बार इस बारे में बोलते हैं कि जैसे उनके हस्बैंड थे राजवीर भैया, उनका केस खुलवाओ, FIR कटवाओ। तो देखिए यहाँ मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ठीक है। अब कोई और यूट्यूबर है, आपने ये बात बोली वीडियो में कि वो आपका दर्द नहीं फील कर सकते उस तरीके से, लेकिन मैं तो फील कर सकती हूँ आपका वो दर्द उस तरीके से, क्योंकि मैंने तो वो सब चीजें झेली हैं। मैं खुद पति का नाम जिनका हाथ पे खुदा हुआ है उनको खोया है, मुझे पता है क्या पेन होता है। 3 साल हो गए हैं, आज भी कोई इमोशनल गाना चल रहा हो ना बॉलीवुड का, सुना नहीं जाता, शब्द होते हैं ना अंदर तक दिल दुखाते हैं, कभी पुरानी यादों में एकदम से दिमाग चला जाता है। सिर्फ खुद को बिजी रखने के लिए इतना काम करती हूँ, वीडियोस डालती रहती हूँ ताकि थोड़ा मजबूत रहूं मैं। तो यहाँ पे मैं एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए उन सपना की जो फैमिली है उनका सबसे ज्यादा इस टाइम वर्स्ट टाइम है लाइफ का, और ये टाइम कभी खत्म होगा नहीं होगा कह नहीं सकते। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जो दुख है ना, ये जिंदगी भर का दुख हो जाता है। आज मेरे को, मैं सोचती थी शायद टाइम के साथ धीरे धीरे कम होगा, नो डाउट पहले से बेटर बेटर की तरफ इंसान जाता है, बस इतना हो जाता है कि इस दुख के साथ जीने की आदत हो जाती है, हमें पता है कि हमें हैंडल खुद को कैसे करना है, बट दुख जाता है तो कभी नहीं। वो जो दर्द है ना वो तो दिल में हमेशा ही रहता है, क्योंकि इंसान को खोने का दुख, आप में से किसी ने अगर अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स को खोया हो तो आप जानते हो कि आप ना कभी खाली बैठे हो तो वो जो यादें हैं वो हमेशा रहती है ना दिल में कहीं ना कहीं पूरा टाइम, बस आपको पता है कि आपको अपने काम करने हैं जिंदगी के। तो यहाँ पे मैं एक बात मैंने बोली थी कि देखो जब इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, तो लोग फिर वही बातें बातें फिर बोलना शुरू कर देते हैं, सुनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको यही बात बोली थी कि आप अपना मजबूती से अपना काम करो, टेंशन फ्री, मतलब टेंशन फ्री मतलब जैसे जो लोग आपके ऊपर वीडियोज बना रहे हैं, आप उनकी वीडियो सबसे पहले देखना छोड़ दो, क्योंकि जितना आप उनको उनकी वीडियोज देख रहे हो, आप वीडियो में बोलते हो कि हम मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन कौन क्या कह रहा है, लेकिन आपको फर्क पड़ रहा है, तभी तो आप वीडियो में जवाब दे रहे हो ना। आप ना, मैंने भी यही गलती करी थी, आप दिमाग में वो चीजें हावी हो जाती हैं, तो आप वीडियोस देखना ही छोड़ दो। मैंने भी यही किया था कुछ टाइम के लिए, जो नेगेटिव वीडियोस मेरे ऊपर बन रही थी या कोई मुझे कुछ गलत बोलता था, मैंने वो वीडियोस देखनी ही छोड़ दी। और कुछ टाइम बाद मैं, मेरे साथ क्या होता था मैं आपको बताती हूँ, कोई भी मेरे को रिएक्शन पे भी, कई बार क्या होता था मेरे ऊपर रिएक्शंस मिलते थे, कोई लोग मेरे को गंदा बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे वीडियोस में, तो होता क्या था कि मैंने ये सोच रखा होता था मैं वो वीडियो जरूर देखूंगी लेकिन कुछ दिनों बाद देखूंगी। ऐसे ही कर सकते हो, जैसे मान लो किसी ने आपके ऊपर वीडियो निकाल भी दी तो आप उसी वक्त मत देखो, उसको 2-4 दिन बाद देखो, तब तक क्या होगा कि वो बात जो बोली हुई है ना, वो मतलब आपको खुद फर्क लगेगा। आप एकदम से चीजें मत देखो, और
यहाँ पे देखो जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, मतलब मैं ये बोलती हूँ, देखो यार ऐसे टाइम में मतलब मैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, है ना, कि एक मतलब अभी इस टाइम क्या है ना, कुछ लोग हैं यूट्यूब पे वो पढ़ चुके हैं इसमें इस बात पे कि हाँ हमें FIR क्यों नहीं कटवाई राजवीर भैया के लिए, राजवीर भैया के लिए केस करना है ये सब वो, है ना। दूसरी साइड एक ग्रुप हो जाता है ना, वो मतलब समझते हो, वो मतलब बहुत सी चीजें हो रही है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं भी बात करते हुए ना इस टाइम में शब्दों का बहुत ध्यान रख के बोल रही हूँ, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी शब्द ऐसी बात निकले जिससे कभी भी किसी का भी दिल दुखाए। तो यहाँ पे मैं इतना बोलूंगी कि देखिए ये बात तो मैं मानती हूँ कि देखिए जैसे राजवीर भैया थे वो एक पब्लिक फिगर थे, है ना। देखो मैं हूं, मैं एक पब्लिक फिगर हूं एक तरीके से, बहुत बड़ी नहीं हूं लेकिन हूं, ठीक है। अगर आज मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो लोग मुझसे 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, वो मेरे से लगाव कर रहे हैं, जो दिन रात मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको सब्र कैसे आएगा, उनको भी सब्र नहीं आएगा। जैसे अगर हमारी जो है ना दो फैमिली खुद की भी होती है, एक ये जो यूट्यूब पे जो फैमिली बन जाती है ये भी एक वर्चुअल फैमिली तो है, लेकिन ये भी एक फैमिली की तरह ही है। जो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो पिछले 2.5 साल में, जिन्होंने एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं करी, वो जानते हैं निधि क्या है क्या नहीं है। अगर मेरी एकदम से डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है ना, उसके बाद अगर मेरी फैमिली एक्शन नहीं लेंगी, FIR नहीं कटवाएंगी, तो ऑब्वियसली पब्लिक को गुस्सा आएगा, ये बात तो है। लोग जो देख रहे हैं आज के टाइम में जो मुझसे कनेक्टेड है, वो कहेंगे कि तुम कौन होते हो, ये कौन होते हो, तुम्हें नहीं करना, हम करेंगे हम करेंगे, है ऐसा। अब आप मेरे बच्चे के लिए देख लो, मेरे बच्चे से लोग बहुत प्यार करते हैं विहान से, और मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अभी मैंने स्कूल 3 साल का हो गया था विहान, और मैं स्कूल में एडमिशन नहीं करवा रही थी, मैं सोच रही थी 4 साल का डलवा लूंगी। लोग मेरे पे गुस्सा करने लग गए थे, तू होती कौन है, हमारा बच्चा है, हम करवा देंगे एडमिशन, तेरे से नहीं होता तो तू क्या है वो क्या है। मुझे गालियां पड़ने लग गई थी कि नहीं एडमिशन करवाओ, बच्चे का एडमिशन करवाओ, पढ़ाओ। अभी मैं ट्रीटमेंट अच्छी जगह करवा रही हूँ विहान का, फिर भी लोग कहते हैं क्यों, क्योंकि वो उस लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो आपकी मैं बस अपना ही बात बोलूंगी कि देखो आपको नो डाउट आपके राजवीर भैया सब कुछ थे, सब कुछ आप ही के थे, ठीक है, लेकिन वो बात ही हो जाती है कि जो वीडियो के थ्रू भी ना कनेक्ट हो जाते हैं लोग, है ना। और देखो जब उनकी डेथ हुई थी ना, उस कुछ दिन तो मेरी हालत खराब थी, एक हफ्ता ऐसा दिमाग घूम गया था ना बहुत बुरे वाला, क्योंकि मैं जो इंसान हंसता खेलता किसी को वीडियो में देख रहा है ना, कनेक्ट हो जाता है हर इंसान, ठीक है, इमोशनली जुड़ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन मेरे को दूसरे तरफ देख रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो तो मुझसे दिल से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैं दूसरे जो लोग हैं जो इस तरीके की वीडियोज बना रहे हैं, मैं उनको पूरी तरह से गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कई बार क्या होता है गुस्सा फूट जाता है फिर सामने वाले बंदे का। मैंने वो चीज देखी, मैंने पहले उनकी वीडियो देखी सपना की, फिर मैंने उन लोगों की भी वीडियोस जाके देखी जो उनके ऊपर जिन्होंने रिएक्शन दिया था कि इंसाफ मिलना चाहिए, राजवीर भैया को ये मिलना चाहिए। मैंने आराम से बैठ के देखी फास्ट फॉरवर्ड करके कि ऐसा क्या हुआ। तो हाँ मेरे को लगा कि हार्श लैंग्वेज बहुत यूज की गई है, और क्यों की गई है इस, देखो अब वो चीज समझ में आती है कि वो अब गुस्से में है। देखो अब सामने वाला बंदा ही सोचता है ना कि हमें करना है करना है, और सामने वाले बंदे को कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो वो गुस्से में भड़क जाता है। तो वो मुझे लग रहा है कि सामने से भड़क चुके हैं, भड़क वो वाला फीलिंग आई वीडियो देख के, लाइव देख के, कि हाँ होता नहीं है लेकिन ये चीज कहना, गुस्सा करना, तो यही बात हो जाती है ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो आप, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, देखो सपना यहाँ पे आप सोचोगे कि आपके इमोशंस की यूट्यूब पे कोई कदर नहीं होती है, समझ रहे हो वो चीज। यूट्यूब पे आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना दर्द, आपका जो दर्द है, आपने ये बात सही बोली, आपका दर्द बिजनेस बन चुका है, मतलब आप यही बात बोल रहे थे ना, तो ये बात सच है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जो फीलिंग्स है, दर्द दुनिया कौन समझेगा, ये सोचो ना, कोई नहीं समझता ये चीज। मैंने भी आज मतलब इतने टाइम बाद देखा है, क्योंकि मैंने वो चीज फील करी है यहाँ यूट्यूब पे आने के बाद, कि मैं रोया करती थी, मेरे को लगता था कोई समझेगा, लेकिन देखो जिसको जो बोलना है वो बोलेगा अपनी वीडियोस में, ठीक है, जिसने जो 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 अगर आपको गलत बोलेगा अपनी वीडियोस में तो वो गलत ही बोलेगा, है ना, और जो आपको सही बोलेगा वो सही बोलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात भी बोलती हूँ कि ना, मैंने
मैंने अपने उस टाइम में एक आधे चैनल को कभी कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी, उसके बाद मैंने स्ट्राइक स्ट्रुक देनी ही छोड़ दी थी। बस मैंने कहा चलो छोड़ो, बस अपने काम से काम रखो, जो बोल रहा है बोलने दो, हमें अपना काम करना है। और जब हम एक बात और, जब हम जवाब देना बंद कर देते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और ये सोचते हैं छोड़ो जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमें अपना बस वीडियो डालना है, अपना काम करना है, अपनी फैमिली देखनी है, तो ये चीजें अपने आप कम हो जाती हैं। समझ रहे हो वो चीज? आप जवाब दोगे जितना, वो चीजें उतनी ही बढ़ेंगी। आप सामने से फिर बोलोगे, फिर सामने वाला बोलेगा। अगर ये चीज को खत्म करना है तो किसी एक को चुप होना पड़ेगा, और आपको पता है सामने वाला नहीं चुप होगा, तो आपको चुप होना पड़ेगा इस चीज में। आपको अपनी वीडियो जैसे आप पहले डालते थे, आप वो ही वैसे ही वीडियोस डालिए। क्योंकि अगर आप वो टाइम भी याद कीजिए जब आपके जैसे फर्स्ट हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, उस टाइम आप रोते हुए वीडियो डालते थे, तब लोग आपको सपोर्ट करते थे, बहुत दिल से कहते थे कि हाँ आपके साथ है, आपके साथ है। लेकिन जब आपकी शादी हुई राजवीर भैया की, तो उनमें से बहुत से लोग थे जो आप ही को गालियां देने लग गए थे। गालियां इन द सेंस उल्टा सीधा लिखने लग गए थे कि हाँ बहुत जल्दी मूव ऑन कर गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, देवर से शादी कर ली। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत प्यार भी मिलता है यूट्यूब पे। तो इस चीज से क्या सीख मिलती है कि देखो आपका, आप रो रहे थे तब तो ठीक है, जब आप ठीक हो हंस के वीडियो बना रहे थे, तो अभी तो आप रोते हुए वीडियो बना रहे हो, तब भी लोग आपको कितना पीछे पड़ रहे हैं, कितना लोग क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। तो अभी जब आप थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा नॉर्मल होके वीडियोस बनाओगे, थोड़ी सी चीजें नॉर्मल की तरफ जाएंगी, तब आपको देखना सोसाइटी का तब असली रूप पता चलता है। मैंने झेला है वो रूप दुनिया का, कि एक लिपस्टिक लगा के, काजल लगा के, थोड़ा सा अच्छे से तैयार होके भी एक लड़की, अगर वो विधवा है ना, उसको दुनिया कैसे, मतलब क्या क्या कॉमेंट्स करना शुरू कर देती है। मैंने वो सब चीजें झेली हैं और बहुत सी लेडीज ने झेली होगी, है ना। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सोसाइटी से आप कभी भी वो चीज मत लो, किसी से भी मत लो। एक होता नहीं है कि वो आपको मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना, आपको अपने हिसाब से चलना है। आपको जो ठीक लगता है आप करो, अपनी फैमिली के लिए जो सही लगता है करो, है ना। और एक बात और मुझे बोलनी थी, देखिए मैंने भी वीडियोस बनाए था, आपने एक और बात बोली थी कि ना कोई मेरे को मनहूस बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए मैंने भी कहीं जगह कमेंट्स पढ़े थे इस बारे में, कि कोई कोई मतलब बंदा आपको ऐसे बोल रहा था कमेंट्स में कि हाँ मनहूस है, ये है, वो है। तो एक बात और मैं बोलती हूँ, मैंने भी आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यही बात बोली थी कि देखिए इस तरीके के कॉमेंट्स किसी के लिए भी मत करिए, किसी को ऐसे मनहूस मत बोलिए। क्योंकि मेरे को बहुत कॉमेंट आते थे मनहूस है, पति खा गई, ये है, वो है। तो उस टाइम क्या था कि मेरी जो वो वीडियो थी, उसका जो मेरा थंबनेल टाइटल था, वो मेरा मेरा क्या होता है ना, मैं खुद के लिए भी नेगेटिव थंबनेल बना लेती हूँ कई बार। तो मैंने वो थंबनेल एक नेगेटिव बनाया था, है ना, आप भी समझ ही गए होंगे। लेकिन फिर मेरे पास कमेंट आया था कि ना देखो आप खुद के लिए तो कैसा भी नेगेटिव थंबनेल बना लो, लेकिन किसी और के लिए मत बनाओ। तो वो चीज मुझे समझ में आई उस टाइम। मैंने करीबन शायद वो अगले दिन, नेक्स्ट डे, वो थंबनेल मैंने चेंज कर दिया था, टाइटल भी चेंज कर दिया था। मुझे खुद को लगा कि अगर मुझे कैची भी बनाना है तो खुद पे तो चलता है भाई, वो मेरी परमिशन है, लेकिन मैं किसी और पे कैची थंबनेल टाइटल नहीं लिख सकती, है ना। तो इसीलिए तो वहां पे मैंने हटा दिया था। अगर वहां पे अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन वो चेंज कर दिया था मैंने। लेकिन वीडियो में मैंने आपके सपोर्ट में और अच्छा ही बोला था सब कुछ। और अभी भी मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, हमेशा आपका साथ हूँ। कभी भी आपको फील हो, बात यूट्यूब की नहीं होती, आपको कभी भी ऐसा लगे कि हाँ आपको किसी से बात करनी है, तो आप ट्रस्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। मेरी मेरे से की हुई बात कभी भी इधर से उधर भी नहीं होती है, हमेशा मैं अपने तक रखती हूँ। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कह देते हैं कि हाँ आप कभी मत बताना कि यार अपने मतलब पर्सनल, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो यूट्यूब से अलग होनी चाहिए, लोगों को ना पता चले दोस्त हैं, कई होते हैं। तो मैं आज तक किस लोगों को नहीं पता कि मेरी यूट्यूब पे किससे दोस्ती है किससे नहीं है, है ना। तो यही बात मैं बता रही थी। तो मैं तो सपोर्ट में ही हूँ, हमेशा अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है क्या पेन होता है, क्या हस्बैंड का जाने का क्या दुख होता है, कैसे इंसान संभलता है इतनी मुश्किल से, और कैसे दुनिया लोग तोड़ते हैं अपनी बातें उसे सुना सुना के। तो यही कहूंगी, स्ट्रांग रहिए, बस इग्नोर कीजिए। और दूसरे लोग हैं जो मतलब वीडियोज बना रहे हैं, उन्हें भी कहूंगी कि बस, मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगी, बस वही है ना कि इमोशनली जुड़ जाते हैं लोग, बट वही है कि सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा शांत रहिए, सब आराम से अपना अपना काम कीजिए। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, वीडियो का एंड करती हूँ। लॉट्स ऑफ लव।